क्लास इलेवेंथ चैप्टर नंबर नाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल आर डी शर्मा एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर टेन प्रूव दैट साइन फाइव एक्स माइनस टू साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस माइन कॉस फाइव एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स ओके तो आप क्या करो एलिज साइन फाइव एक्स माइनस टू साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस फाइव एक्स माइनस कॉस एक्स अब देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को आप सॉल्व करने का कोशिश करो तो नहीं होगा ओके तो आप क्या करो इन दोनों को सॉल्व करो आप इनको साथ में लिख दो और इसको साइड में अब माइनस। आप यहाँ पे क्या करो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू ओके और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू यही होता है अब इसको सी पढ़ो और अब इसको डी पढ़ो तो क्या बनेगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू फाइव एक्स प्लस एक्स अपॉन टू इं टू कॉस फाइव एक्स माइनस एक्स अपॉन टू माइनस टू साइन थ्री एक्स अपॉन यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाइए तो क्या बनेगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू फाइव एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन फाइव एक्स माइनस एक्स बाई टू ओके फाइव एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा सिक्स एक्स सिक्स एक्स अपॉन टू क्या हो जाएगा थ्री एक्स तो ये हो गया टू साइन थ्री एक्स और ये क्या बनेगा फाइव एक्स में से एक्स गया फोर एक्स फोर एक्स अपॉन टू ये क्या हो जाएगा टू तो एक्स तो ये हो गया कॉस टू एक्स माइनस टू साइन थ्री एक्स अपॉन ये हो जाएगा माइनस टू साइन थ्री एक्स और ये बन जाएगा साइन टू एक्स देखिए फाइव एक्स में से एक्स गया फोर एक्स अपॉन टू दैट इज टू एक्स ठीक है अब आप क्या करो टू साइन थ्री एक्स को कॉमन करो टू साइन थ्री एक्स को कॉमन करोगे तो क्या होगा कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन माइनस टू साइन थ्री एक्स साइन टू एक्स यही बनेगा ये टू ये टू ये साइन थ्री एक्स ये साइन थ्री एक्स कैंसिल आप माइनस को ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन माइनस साइन टू एक्स अब वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन स्क्वायर एक्स तो यहाँ लिख दो एक्स अपॉन साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स तो ये हो गया टू साइन एक्स कॉस एक्स ये साइन से ये साइन कैंसिल ये टू से ये टू कैंसिल क्या हुआ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और साइन अपॉन कॉस क्या होता है साइन अपॉन कॉस टैन होता है तो ये हो गया tan एक्स ओके okay? तो आपका प्रूफ हो गया नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है साइन टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स इज फोर कॉस एक्स साइन फोर एक्स हमको ये प्रूफ करना तो आप क्या करो एल एच एस लो साइन टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स अब देखिए आप इन दोनों में तो सी प्लस डी मतलब आप यहाँ पे सी प्लस डी फॉर्मूला तो लगा ही नहीं पाओगे क्यों नहीं लगा पाओगे क्योंकि देखिए यहाँ पर टू है और फॉर्मूले में क्या होता है मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया ये क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी और ये होता है साइन सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी ओके तो यहाँ पे तो लगा ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर टू है और फॉर्मूले में यहाँ पर कॉफिशियंट क्या होना चाहिए वन होना चाहिए ओके okay, तो आप इन दोनों में लगाओ साइन सिक्स एक्स प्लस साइन टू एक्स में प्लस टू साइन फोर एक्स अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉ सी माइनस डी बाई टू ये होता है आप इसको सी पढ़ो और इसको डी पढ़ो तो क्या बनेगा टू साइन सिक्स एक्स प्लस टू एक्स अपॉन टू इंटू कॉस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस टू साइन फोर एक्स यही में अब देखिए सिक्स एक्स प्लस टू एक्स अपॉन टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एट एक्स अपॉन टू ये हो गया फोर एक्स तो इस चीज की जगह आप क्या लिख सकते हो फोर एक्स लिख सकते हो टू साइन फोर एक्स और ये क्या बनेगा सिक्स एक्स माइनस टू एक्स अपॉन टू ये हो जाएगा फोर एक्स अपॉन टू यहां से कैंसिल हो गया टू एक्स तो ये हो गया कॉस टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स ओके अब आप यहाँ क्या कॉमन करो टू साइन फोर एक्स कॉमन कर लो तो आप टू साइन फोर एक्स कॉमन करोगे तो क्या बचेगा कॉस टू एक्स प्लस वन अब देखिए वन प्लस कॉस टू एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स ओके अब देखिए आप वन को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं टू साइन फोर एक्स वन प्लस कॉस फोर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स तो ये हो जाएगा टू इंटू टू फोर फोर कॉस स्क्स साइन फोर एक्स ओके नेक्स्ट थर्ड पार्ट है साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स ओके तो आप क्या करो एल एच एस लो साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अब देखिए बड़ा वाला एंगल बाद में है ना तो इसको आप पहले लिखो तो पहले लिखोगे तो क्या करोगे माइनस कॉमन लोगे साइन थ्री एक्स माइनस साइन एक्स नीचे से भी आप माइनस कॉमन करो तो ये जाएगा स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस के आंसर अब ऊपर क्या बन रहा है ऊपर बन रहा है साइन सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी इसका फॉर्मूला क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू ओके तो अब इसको सी पढ़ो और इसको डी पढ़ो तो ये क्या बनेगा टू कॉस थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू अपन अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये क्या होता है कॉस टू एक्स तो ये हो जाएगा कॉस टू एक्स ओके अब देखिए थ्री एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा फोर एक्स बाई टू ये हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा टू कॉस टू एक्स और ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू ये हो जाएगा टू एक्स बाई टू तो ये हो जाएगा एक्स तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस टू एक्स ये कॉस टू एक्स और ये कॉस टू एक्स कैंसल क्या बचा टू साइन एक्स तो आपका प्रूफ हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर इलेवन है सो दैट स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री कोस ट्वेंटी डिग्री माइनस सी कैंड ट्वेंटी डिग्री इोर तो आप क्या करो एल एच एस लो स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री को 20 ट्वेंटी डिग्री माइनस सी 20 ट्वेंटी डिग्री ओके अब देखिए कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो ठीक है और सीकेंड थीटा को आप क्या लिख सकते हो वन अपॉन कॉस थीटा ये लिख सकते हो तो इसको आप लिखो साइन ट्वेंटी डिग्री और इसको लिखो वन अपॉन कॉस ट्वेंटी डिग्री यहाँ तक तो क्लियर अब आप क्या करो एलसीएम ले लो तो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री कॉस ट्वेंटी डिग्री माइनस साइन ट्वेंटी डिग्री अपॉन साइन ट्वेंटी डिग्री कॉस्ट ट्वेंटी डिग्री यहाँ तक अब आपको एक चीज याद होगा कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन होता था ना ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा अगर ऐसा एक्सप्रेशन होता था और हम इसको अगर आप बोलते कि इसको या तो सिर्फ कॉस में लिखो या तो फिर साइन में लिखो तो इस केस में क्या करते हैं इसका स्क्वायर इस प्लस इसका स्क्वायर और इसका रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं ओके okay? ऐसे ही करते हैं और इसको इसको आप बोल देते हो कॉस अल्फा और इसको बोल देते हो साइन अल्फा तो ये अगर इसको आप कॉस अल्फा बोले तो कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा ये क्या बन जाता है कॉस थीटा माइनस अल्फा मतलब थीटा को पहले रखें और अल्फा को बाद में थीटा माइनस तो हम यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे देखिए यहाँ पे ए क्या है रूट थ्री और बी क्या है माइनस वन तो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर और फिर उसका रूट क्या हो जाएगा थ्री प्लस वन दैट इज फोर इसका रूट हो जाएगा टू तो हम यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे ओके साइन सिक्सटी डिग्री क्या होता है साइन सिक्सटी डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाय टू तो मतलब हम स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई टू को क्या लिख सकते हैं साइन सिक्सटी डिग्री कॉस्ट ट्वेंटी डिग्री माइनस अब देखिए वन बाई टू को हम लिख सकते हैं ना कॉस्ट सिक्सटी डिग्री क्या कॉस्ट सिक्सटी डिग्री वन बाई टू होता थी हो जाएगा कॉस्ट सिक्सटी डिग्री साइन ट्वेंटी डिग्री अपॉन साइन ट्वेंटी डिग्री कॉस्ट ट्वेंटी डिग्री ओके okay? तक अब देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये क्या होता है साइन ए माइनस बी तो देखो आप इसको ए पढ़ो इसको बी पढ़ो इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो तो क्या बनेगा टू साइन ए माइनसटी डिग्री माइनस ट्वेंटी डिग्री अपॉन साइन ट्वेंटी डिग्री डिग्री ओके सिक्सटी में से ट्वेंटी गया क्या बचेगा फोर्टी बचेगा और ये हो गया साइन ट्वेंटी डिग्री कॉस्ट ट्वेंटी डिग्री अब देखिए आपने साइन टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा यही होता है अगर हम इसको नीचे ले तो साइन टू थीटा बाई टू हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा यही होगा ये हो, हो जाएगा टू साइन फोर्टी डिग्री देखिए इसको आप थीटा पढ़ो और इसको थीटा पढ़ो तो क्या बन रहा है साइन थीटा इन कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा बाई टू तो जाएगा साइन टू इंटू ट्वेंटी डिग्री अपॉन टू ये टू ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा फोर साइन फोर्टी डिग्री और ये भी हो जाएगा टू इंटू ट्वेंटी फोर्टी डिग्री ये टर्म और ये टर्म आंसर क्या बचा तो प्रूफ हो गया नेक्स्ट एग्जांपल नंबर ट्वेल्व है If a equal to 3 upon 5, where a lies between find the वैल्यूज ऑफ साइन 2a एस एन टू एंड साइन फोर ए हमको इनकी वैल्यू निकालनी। अब देखिए जो एंगल है ना आपका a lies between 0 to 90 ओके तो अगर हम साइन टू ए वैल्यू साइन ए इज थ्री अपॉन फाइव आप पहले टेन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालो आप मानो ये एंगल ए है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यही होता है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर थ्री नाइन्टी के डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस फाइव और जो बच गया वो बेस तो आप यहाँ पे पी लगाओ बाई पी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर पी क्या थ्री थ्री का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्ट इज फाइव का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस बी स्क्वा ट्वेंटी फाइव तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन तो बी स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन तो बी हो जाएगा फोर अब देखिए बी प्लस माइनस फोर क्यों नहीं हुआ क्योंकि ट्रायंगल क्या है लेंथ और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता ओके okay? तो आपका ये फोर हो जाएगा तो कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस तो बेस है फोर और हाइपोटेनस फाइव तो कॉस ए हो जाएगा फोर अपॉन फाइव टेन ए क्या होगा टेन होगा परपेंडिकुलर पेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर थ्री बेस अपॉन्ट बेस, ओके अब साइन टू ए और कॉस टू ए के अब देखिए साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए यही होता है साइन ए साइन ए क्या है थ्री अपॉन फाइव कॉस ए क्या है कॉस ए फोर अपॉन फाइव तो ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव साइन टू ए क्या हो गया ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट कॉस टू कॉस टू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस टू का फॉर्मूला क्या होता है कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कॉस ए का वैल्यू फोर बाय फाइव का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर है साइन साइन है थ्री अपॉन फाइव इसका स्क्वायर ये हो गया 16 बाई ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन बाई ट्वेंटी फाइव वेन आर सेम मतलब वेन डिनोमिनेटर आर सेम देन न्यूमिनेटर विल बी ऑल्सो सेम तो ये क्या हो जाएगा सेवन अपॉइंट ट्वेंटी देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होगा डिनोमिनेटर भी एज इट इज आ जाएगा ओके okay. तो ये हो कॉस्ट टू ए की वैल्यू टेन टू ए तो टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है यही होता है टेन ए की वैल्यू टेन ए की वैल्यू थ्री अपॉन फोर वन माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू थ्री अपॉन फोर का होल स्क्वायर इससे ये कैंसल होती हो गया थ्री बाई टू अपॉन ये हो जाएगा वन माइनस नाइन अपॉन सिक्सटीन थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन अब आप यहाँ पर एल ले लो तो थ्री अपॉन टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर सिक्सटीन तो ये हो गया एट और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एट थ्री जा ट्वेंटी फोर अपॉन नाइन ये ना होगा सिक्सटीन में से नाइन गया तो क्या बचा सिक्सटीन में से नाइन जाना है ना तो सेवन बचेगा Seven, 24 Next, तो तो नेक्स्ट की की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है आप इसको पढ़ो टू थीटा में तो इसको क्या लिखोगे साइन टू टू ए तो देखिए इसके जगह आप थीटा पढ़ो ये हो गया साइन थीटा टू टू थीटा तो क्या हो जाएगा टू साइन टू ए कॉस टू ए साइन टू ए की वैल्यू ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव ट्वेंटी फाइव और कॉस टू ए की वैल्यू सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा सिक्स 625 फाइव और ऊपर क्या बनेगा तो मल्टीप्लाई करो ये क्या बनेगा ट्वेंटी फोर इंटू सेवन वन सिक्सटी एट और वन सिक्सटी एट इंटू टू क्या हो जाएगा थ्री थर्टी थ्री हो गया थ्री थर्टी थी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्टीन है इफ टेन इन इक्वल टू वन सेवन साइन बीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट टेन प्रूव दैट अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल टू पा फोर वेयर अल्फा लाइज बिटवीन जीरो टू पा बाय टू एंड बीटा लाइज बिटवीन जीरो टू पा आपको क्या प्रूफ करना अल्फा प्लस टू बीटा अल्फा प्लस टू बीटा अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल टू तो बाय फोर जब भी आपको कुछ ऐसा प्रूफ दे रखा हो ना आप टेन में सॉल्व करो आप मान लो कि टेन अल्फा प्लस टी टू बीटा इक्वल टू तो टेन बाय फोर मतलब इसको आपको वन के इक्वल प्रूफ तो आप हम फॉर्मूला पढ़े टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस बी क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी ये हो गया तो आप इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो तो ये क्या बनेगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन टू बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन टू बीटा ये हो गया अब देखिए टेन अल्फ़ा की वैल्यू तो है हमारे पास अब रख दो वन अपॉन सेवन प्लस टेन टू बीटा अपॉन वन अपॉन वन माइनस सेवन टेन टू बीटा आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा वन प्लस सेवन टेन टू बीटा अपॉन ये इधर हो जाएगा वन माइनस सेवन माइनस टेन टू बीटा ओके तो हमको अब टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए तो हमको टेन टू बीटा की वैल्यू चाहिए होगी अब देखिए टेन टू बीटा कैसे निकलेगा तो क्लियर इसलिए देखिए हम अगर डायरेक्ट टेन टू बीटा निकाल देते ना तो आपको नहीं पता चलता है। कि टेन टू बीटा निकाल के हो रहे हैं इसलिए मैंने करके दिखा है अब देखिए अब टेन टू बीटा की वैल्यू हमको यहाँ पर रिप्लेस करनी इसलिए हम टेन टू टू बीटा की वैल्यू निकाल तो टेन टू बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है यहाँ पर माइनस होता है तो ये तो क्या हो जाएगा टू तो टेन बीटा ये देखिए टेन टू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो टेन टू बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टू टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर बीट यही होगा तो हमको टेन टैन बीटा की वैल्यू चाहिए देखिए साइन बीटा क्या है साइन बीटा है वन अपॉन रूट टेन ये है तो आप मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल एंगल है जिसमें ये एंगल आपका बीटा है तो क्या हो जाएगा तो साइन क्या होता है साइन होता है पर अपॉन हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर वन और हाइपोटेनस हाइपोटे स्क्वा तो बाई पी जी टी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू तो एच स्क्वायर तो पी स्क्वायर अब इसका वन का स्क्वायर प्लस बेस बेस में कुछ नहीं तो बेस का स्क्वायर और एच स्क्वायर तो ये हो जाएगा रूट टेन का स्क्वायर ये स्क्वायर से ये रूट कैंसर वन का स्क्वायर वन और बी स्क्वायर इक्वल टू टेन देखिए स्क्वायर स्क्वायर मतलब रूट टेन का स्क्वायर किया तो टेन ही आएगा और देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू टेन माइनस वन तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन सिंस बी इक्वल टू थ्री बी ये थ्री हो गया तो यहां से टेन बीटा क्या हो जाएगा टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर वन बेस थ्री तो टेन बीटा हो जाएगा वन अपॉइंट थ्री तो आप टेन टू बीटा के फॉर्मूला में रख दो इसे माइनस टेन स्क्वायर बी तो टेन स्क्वायर बीटा केन अपॉइंट थ्री तो वन अपॉइंट थ्री का स्क्वायर ये हो गया ये हो गया टू बाई थ्री अपॉन आप स्क्वायर ओपन करोगे तो यह हो जाएगा वन माइन वन माइनस वन अपॉन नाइन अब आप क्या करो रूटीन चेक तो ये क्या हो जाएगा टू अपॉन थ्री ये आप एलसीम लो तो ये नाइन माइनस वन अपॉन नाइन तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल ये थ्री ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स अपॉन नाइन माइनस वन जाएगा सिक्स अपॉन एट गया थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर ओके तो आप टेन टू के टू बीटा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो क्या है थ्री अपॉन फोर तो ये हो गया थ्री अपॉन फोर सेवन माइनस टेन टू बीटा थ्री अपॉन फोर ये हो गया अब आप यहाँ से एल्थियम लो तो क्या बनेगा फोर प्लस ट्वेंटी वन अपॉन ये हो जाएगा ट्वेंटी एट माइनस थ्री ऐसे फोर इंटू सेवन ट्वेंटी एट और ये वन इंट थ्री वन अपॉन फोर और इसके अपन में ये फोर और ये फोर कैंसर ट्वेंटी वन प्लस फोर फाइव ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी एट में से थ्री गया ट्वेंटी फाइव तो ये टर्म और ये टर्म भी कैंसर तो ये वन के बराबर हो गया तो मतलब टेन अल्फा प्लस टू बीटा किसके बराबर हो गया वन के बराबर और टेन पाए बाय फोर क्या होता है वन होता है तो आप इसको लिख दो टेन अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल टू टेन बाय बायोर तो आप यहाँ से ऐसा समझो टेन और टेन कैंसिल तो क्या बचेगा अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल टू पाई बाय फोर ये हो गया तो आपका प्रूफ हो गया अब देखो Để không biết luyện quá